दोस्तों प्राचीन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो सभ्यताएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम देव और दैत्य के नाम से जानते हैं। या यह भी बताते चलें कि यह दोनों सभ्यताएं भले ही विपरीत स्वभाव वाली थी, परंतु फिर भी इन दोनों की संस्कृति एक ही थी, जिसे आज हम सनातन संस्कृति के नाम से जानते हैं। दोस्तों संस्कृति और सभ्यता दो अलग अलग चीजें हैं। संस्कृति हमारे स्वभाव आचार विचार में स्वतः शामिल है, जबकि सभ्यता का हमारे द्वारा निर्माण किया जाता है। प्राचीन समय में विश्व में जितनी भी सभ्यताएं थी, उन सभी के मूल में सनातन संस्कृति ही थी। आप सबने मिस्र के पिरामिडों के बारे में तो अवश्य ही पढ़ा होगा। मिस्र के पिरामिड अपने आकार व संरचना को लेकर आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। इन सब में गीजा का पिरामिड काफी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं या फिर दूसरे ग्रह से आए लोगों ने किया था, क्योंकि उस समय ना तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी और ना ही आजकल जैसी मशीनें। वैज्ञानिकों के अनुसार आजकल बड़ी से बड़ी क्रेन मशीनें और विकसित टेक्नोलॉजी होते हुए भी हमारे इंजीनियर्स ऐसी संरचना नहीं बना सकते। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि मिस्र की सभ्यता और भारतीय सनातन सभ्यता में कौन कौन सी समानताएं हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन मिस्र में सनातन धर्म ही था। और हम यह आपको बताने वाले हैं 5 तथ्यों में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पुनः स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से 3000 वर्ष पूर्व तक दुनिया में कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, केवल सनातन धर्म ही था। आप प्राचीन समय की किसी भी सभ्यता को पढ़ लीजिए, सबके मूल में केवल सनातन धर्म ही मिलेगा। तो चलिए प्रमाणों के साथ जानते हैं मिस्र की सनातन संस्कृति के बारे में। आते नंबर 1 पर, जो की है मूर्ति पूजा में विश्वास। प्राचीन मिस्र के लोग एकेश्वरवादी होने के साथ साथ कई देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार मिस्र में 1400 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि हम सनातनी कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी एकेश्वरवादी भी हैं और बहुत सारे देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है देवताओं में समानता। जिस तरह सनातन धर्म में सूर्य को साक्षात देव मानकर पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही मिस्रवासी सूर्य को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते थे। मिस्र में सूर्य को चिकित्सा का देवता माना जाता था। यहाँ सूर्य को रॉ या होरस कहा जाता था। देवताओं में इन्हें सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त था। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख देवताओं में पता अर्थात पिता, यानी हिंदू धर्म में जिसे हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं, उसे मिस्रवासी पता कहते थे। यही नहीं, यहाँ शिव को शिव, देवी शक्ति को सकेत, विष्णु को बिस आदि नामों से जाना जाता था। तीसरे नंबर पर आते हैं गंगा और गाय में विश्वास। हिंदू धर्म की तरह ही इजिप्ट में पृथ्वी को गौ रूप यानी गाय का रूप मानते थे। साथ ही पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है ऐसी मान्यता भी थी। जिस तरह भारतीय परंपरा में गंगा को पवित्र मानकर पूजा की जाती है, उसी तरह मिस्रवासी नील नदी की पूजा करते थे। यही नहीं, मिस्र सभ्यता के पुरोहित माथे पर वैष्णव तिलक लगाया करते थे। हिंदू धर्म की तरह मिस्र में पुरोहितों को काफी सम्मान दिया जाता था। चौथे नंबर पर आते हैं अवतारों में विश्वास। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस तरह भगवान नरसिंह का उल्लेख है, उसी तरह मिस्र सभ्यता में कहा जाता है कि बेबीलोनिया में नरसिंह का अवतार हुआ था। हालांकि भगवान नरसिंह और मिस्र के नरसिंह में थोड़ी सी भिन्नता है। हिंदू धर्म में भगवान नरसिंह का धड़ मनुष्य का है और चेहरा सिंह का है, परंतु मिस्र में नरसिंह का धड़ सिंह का और चेहरा मनुष्य का है। भिन्नता होते हुए भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों का नाम एक ही है और वह नाम है नरसिंह। यही नहीं, इजिप्ट के शिलालेखों में नरसिंह के पूर्व मत्स्य, वराह, वामन, यह 3 अवतार और पाए गए हैं। ये फैक्ट अपने आप में एक बड़ा तथ्य है जो साबित करता है कि मिस्र की सभ्यता किस तरीके से हिंदू सभ्यता ही थी। आते हैं 5वें और इस वीडियो के अंतिम तथ्य के बारे में, जो कि है नंदी और भगवान शिव में विश्वास। मिस्र के शिलालेखों में एक बैल की तरह दिखने वाले देवता की संरचना पाई जाती है, जो कि भगवान नंदी का ही स्वरूप है। यहाँ नील नदी के तट पर बने मंदिरों में सभी देवताओं के मस्तक पर शिवलिंग जैसा चिन्ह दिखाई देता है। दोस्तों इजिप्ट की सभ्यता और सनातन संस्कृति में ऐसी बहुत सी समानताएं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन मिस्र में सनातन धर्म ही था। दोस्तों मिस्र की सभ्यता के बारे में एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है,
इसलिए आज हमने कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताए हैं। कुछ कमी रह गई हो तो चिंता मत करिए, आगे इस पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाने वाले जिसमें हम आपको मिस्र और हिंदू सनातन संस्कृति से संबंधित सारी जानकारी देने वाले। और हाँ, इसके बारे में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।